देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह बयान हैरत अंगेज है। दरअसल राजनेताओं को एक आदत सी उनकी बन गई है कि वो कुछ भी कहकर निकल जाते हैं, लेकिन आज जब आप जेपी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो फिर लोकनायक ने जिन मूल्यों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया उसमें परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक कुरीतियां ये अहम सवाल थे। आज अखिलेश जी को ये देश को बताना चाहिए इनमें से कौन सा मूल्य उन्हें प्रेरित करता है और क्या उन्होंने इनमें से अपनाया या उनकी पार्टी ने अपनाया। समाजवादी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, एक पार्टी विशेष, एक परिवार विशेष का कब्जा है। पूरी पार्टी के सांगठनिक पद हो, लोकसभा राज्यसभा की सीटें हो, विधानसभा विधान परिषद या स्थानीय निकायों के जो भी चुनाव होते हैं, जो कुछ उन्हें चाहिए वो ले लेते हैं, उसके बाद पार्टी के नेताओं के बीच उसका वितरण होता है। कोई आंतरिक लोकतंत्र है नहीं, वहां चुनाव के नाम पर खानापूरी होती है और उसके बाद आप इस अवसर पर आप नसीहत दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी को रिश्ते तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के एक प्रमुख सेनानी है, उस आंदोलन के अगली कतार के नेता है। दूसरी तरफ बिहार में उन्होंने उन जीवन मूल्यों को अपनाया है। हमारे यहां परिवारवाद की आपको कोई गुंजाइश नहीं दिखेगी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है सब नीतीश कुमार जी ने उठाए, लोगों का जीवन बदला। केंद्र में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए जेपी के जीवन मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। फिर हमें रिश्ते तोड़ने की सलाह देने का मतलब क्या है? वो जिनके साथ हैं उनके साथ उन्हें रिश्ते तोड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए, अगर जेपी के उसूलों का हवाला वो देते हैं तब। इसलिए की पूरी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा तानाशाही और वंशवाद को लेकर जो कांग्रेस का थोपा हुआ नेतृत्व था उसके खिलाफ थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।